भैया 10 रुपए में अंडे का ऑमलेट खिला देंगे क्या? 10 नहीं 7 रुपए में खाइए ये। 7 रुपए में? 3 रुपए वापस लीजिए। ये 3 रुपए आपको वापस। ये 7 रुपए में खिलाएंगे मात्र? हाँ 7 रुपए में क्या खाएंगे? बॉयल फ्राई ऑमलेट भुजिया क्या सब कुछ 7 रुपए में? सब कुछ 7 रुपए में। टोटल 7 रुपए में कुछ भी खाइए। अरे भैया पानी वानी में तो नहीं बनाओगे कहीं? नहीं, फॉर्चून सरसों के तेल में बनाएंगे। फॉर्चून में बनाओगे? एक काम करिए, हमारे लिए जो अंडे की भुजिया बनाइए 7 रुपए। आइए ये देखिए फॉर्चून का सरसों तेल है। अरे वाजीवा, ब्रांडेड ऑयल आ गया ये। ये देखिए मिर्चा और प्याज पड़ गया। ओके, इसका तड़का हो गया। और ये देखिए अंडा फोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको इसे बनाते हैं। भैया कितने साल से खिला रहे हैं ये? 15-16 साल से। 15-16 साल से? जी जी। तो 15-16 साल में जो है ये, उससे पहले क्या रेट था? ये 7 ही रुपया था। 5 रुपया था। 5 रुपया था? हाँ। तो 5 रुपये सिर्फ 2 रुपये बढ़े हैं? हाँ 2 रुपये। ये देखिए मसाला डाल दिए। मसाला भी आएगा? हाँ, इसी मसाला भी पड़ता है। अरे वाह भाई साहब, कौन सा मसाला है ये? गोल्डी। अच्छा गोल्डी, फिर से ऑयल आ गया। हाँ भैया, महंगाई जो अपनी दुकान तक नहीं पहुँची क्या? ऐसी बात नहीं है, हम लोग सेवा करते हैं, पैसे कमाने की बात नहीं है। अच्छा सेवा है ये? हाँ। और ये कितनी देर में बनके तैयार हो जाती है भुजिया? एक से 1.5 मिनट में। बस बस बस, देखिए तैयार हो गया। ये देखो जी, अब इसको डाल दिए पेपर पे। और कुछ आएगा? ऊपर से एक ब्रेड दे देते हैं। अच्छा ब्रेड भी आएगा? हाँ, 7 ही रुपये में। अरे वाह जी वाह। भाई साहब एक बात बताओ, आपने जो इसके अंदर मसाला डाल दिया, ब्रांडेड ऑयल डाल दिया, प्याज 60 रुपये किलो, सब कुछ डाल दिया, ये आज की डेट में इतनी महंगाई के दौर में भाई साहब कच्चा अंडा भी नहीं मिलता 7 रुपये का, कैसे खिला रहे उसको बना के? कहीं ऐसा ना हो हमारा कोई व्यूअर्स आपकी वीडियो देख के आए तो कहीं आप मना कर दो उसको, झूठ तो नहीं बोल रहे आप? ऐसी बात नहीं है, कोई भी आएगा 7 ही रुपये खिलाएंगे। अब विश्वास ना हो तो आप किसी से पूछ लीजिए। पक्की बात है? पक्की। किसी से पूछ लो 7 रुपये? किसी से कैमरा घुमा के पूछ लीजिए। सब कुछ सब 7 रुपये? सब टोटल 7? सब। ये जो देख रहे हैं आप तीनों वैरायटी, तीनों तवे पे कुछ भी खाइए, सब 7 रुपए। सब 7 रुपए, तीनों तवे फुल चल रहे हैं। हाँ तीनों, उधर बॉयल है, ये ऑमलेट है और ये भी ऑमलेट ही है। हाँ हाँ। और इसमें क्या है, इसमें जो बना रहे हैं? इसमें चिकन बन रहा है। अच्छा एक बार दिखाएंगे? देखिए ये देखो जी, ये चिकन बढ़िया से दिखाइए थोड़ा। ठीक है, और उसमें क्या है? सब में चिकन है। देखिए इसमें भी चिकन है? सब सब चिकन है। ये क्या मतलब, अपना बनाते कैसे होता है? नहीं, ग्राहकों का बना कर देते हैं। ग्राहकों बना देते हैं? सब में चिकन ही है? इसमें भी है? नहीं, इसमें भी पड़ने वाला है। अच्छा इसमें भी डलेगा? अभी खाली है। इसका क्या रेट होता है? 80 रुपये केजी बना कर देते हैं। 80 रुपये केजी? हाँ। अरे वाह जी वाह भाई साहब, गजब यार, मजा आ गया। अब एक बार जो 7 रुपये वाले अंडे के लिए मैं खाने के लिए दीवानगी दिखा दो भाई साहब, कैसे देखो कैसे लोग यहाँ पे खा रहे हैं, सब कुछ 7 रुपये में। इन वाले भैया से पूछते, भैया जरा माइक पकड़िएगा, हमने देखा था अभी अंडा खा रहे थे, ये बताइए कि यहाँ पर जो 7 रुपये वाला रेट है कहाँ तक सही है? बहुत सही है, इनके इतना इतना किफायती कोई अंडा नहीं देता है। ये पहले ये बताइए सच है या नहीं है? एकदम बिल्कुल 100% सत्य है। हम 15 किलोमीटर दूर से इनके यहाँ अंडा खाने आए हुए हैं। अच्छा, इनके यहाँ अंडा आमलेट भुजिया और हाफ फ्राई सब कुछ 7 रुपये? सब कुछ 7 रुपये टोटल। हाँ। कब से खा रहे हैं आप? हम यहाँ लगभग हमें 3-3.5 साल हो गया। क्या लगता है, रेगुलर यहाँ इंडिया में इससे सस्ता होगा कहीं? कहीं नहीं होगा, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में इनके ऐसा सस्ता अंडा कहीं नहीं मिलेगा। पूरे देवरिया में हम लोग यहाँ हमेशा भीड़ आ पाएंगे, मिलता रहेगा। भैया हमने तो यार कई जगह देखा है कि मात्र 6-7 रुपये का तो कच्चा अंडा मिलता है, उसमें सब कुछ बना के दे रहे हैं। आप 100% इसको गारंटी मानिए, 7 रुपये में यहाँ भुजिया खाइए, आमलेट खाइए, हाफ फ्राई खाइए, कुछ भी खाइए 7 रुपये, एकदम 100% टका है। चलिए ठीक है, बहुत 15 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। आप खाए आए हैं? लगता 10-15 अंडे खा जाते होंगे जब भी आए हैं। ऐसे तो ऐसे बड़ी हमारी बनी हुई है। अच्छा अंडे से ही काम? रेलवे में है, यहीं का अंडा खा के। रेलवे में यहीं का अंडा खा के? यहीं का अंडा खा के हम रेलवे में। ये बताइए कि और जगह भी तो आपने आमलेट खाया होगा, वहाँ पे रेट कितना? वहाँ 10-12 रुपये आपको मिलेगा, पूरे देवरिया जिला की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ 7 से 7 रुपये। प्याज आज 60 रुपये किलो है, लेकिन तब भी प्याज आपको जितनी बार मांगेंगे उतनी बार आपको प्याज मिलेगा। अरे वाह जी वाह गजब यार। 7 रुपये में मिलने वाली ऑल वैरायटी आपके पास जो है, आप खाने के लिए कहाँ पे आना पड़ेगा? बीकमपुर रोड, बिशनपुर कला, देवरिया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, टाइमिंग क्या रहती है अपने पास? 4 बजे के बाद रात 10 बजे तक। और कभी बंद भी रहता है? नहीं बंद नहीं रहता, कोई त्यौहार ऐसे, नवरात्र हो गया, छठ हो गया, दिवाली हो गया, तभी बंद रहेगा? तभी बंद रखा जाता है।